यूक्रेन ते रूस विचकार 10वें दिन भी जंग लगातार जारी है ते हुण रूस ने यूक्रेन दे रिहायशी इलाकियां ते हमले करने तेज कर दिते ने। यूक्रेन दे वल्लों दावा कीता गया है कि जाइटोमीर शहर दे विच रूसी बंब अटैक दे नाल उन्हां दे 47 नागरिक मारे गए ने। स्थानिक पुलिस ने इस नूं क्लस्टर बंब नाल कीता हमला दस्सिया। यूक्रेन दे रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी फौज इकानियां तों इलावा रिहायशी इलाकियां दे विच भी लगातार हमले कर रही है। इसे विचकार यूक्रेन दे राष्ट्रपति ने यूरोपियन नेतावां नूं रूस नूं रोकण च मदद करन दी अपील भी कीती है। उन्हां कहे कि जेकर रूस नूं नहीं रोकिया गया तां पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। यूक्रेन दे वल्लों दावा कीता गया है कि रूस दा एक रॉकेट कीव दे विच राष्ट्रपति भवन दे बाहर डिग गया। उन्होंने कहा कि रूस दा निशाना फिर तो चुक गया। रूस ने शुक्रवार नूं यूक्रेन दे मारियूपोल शहर दे विच एक रिहायशी अपार्टमेंट दे विच मिसाइल दागी। हालांकि घटना दे समय बिल्डिंग दे विच लोग मौजूद नहीं सन। हमले तो बाद अपार्टमेंट दे विच जो है अग लग गई। यूक्रेन दे राष्ट्रपति ने यूक्रेन नू नो फ्लाई जोन नहीं बनाउण दे फैसले ते नाटो दी आलोचना भी कीती है। नाटो दे विदेश मंत्रियों ने बैठक दे विच जेलेंस्की दे प्रस्ताव नू ठुकरा दिता सी। उधर फ्रांस ने चपरीजिया न्यूक्लियर प्लांट ते रूसी हमले दी निंदा कीती है। फ्रांस दे राष्ट्रपति ने बयान जारी करके इसकी सुरक्षा लई विशेष सदन बुलाउण दी जो है मांग भी कीती है। यूक्रेन दी राजधानी कीव सने खारकिव मारियूपोल जे शहरां नूं रूसी फौज ने घेर रखिया ते इत्थे जरूरी समान दी सप्लाई भी कट दित्ती गई है। इस नाल फसे होए नागरिकां नूं होर भी मुश्किलां आ रहियां ने। उधर रूस ने अपने फेसबुक अते ट्विटर नूं बैन कर दिता है। रूसी मीडिया दे कंटेंट पब्लिशिंग दे विच भेदभाव करन दी वजह नाल इह पाबंदियां उन्हां दे वल्लों लगाईआं गईआं ने। तां 10वें दिन भी लगातार रूस दे वल्लों यूक्रेन ते हमले लगातार जारी ने। इसे दरमियान बहुत सारे लोग भी यूक्रेन दे विच फसे होए ने। भारतीय विद्यार्थी भी यूक्रेन दे विच फसे होए ने। हालांकि केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि उन्होंने वल्लों जो बच्चे ने जो भारतीय विद्यार्थी ने यूक्रेन दे विच फसे ने उन्होंने लगातार कढ़िया जा रहा है। पर अजे भी बहुत सारे विद्यार्थी उत्थे फसे होए ने। उन्होंने वल्लों वीडियो जारी की जा रही है। सोशल मीडिया जरिए केंद्र सरकार नूं अपील भी कर रहे हैं। तो कितने न कितने गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ क्योंकि फसे हुए ने डरे हुए ने। इसलिए वो लगातार केंद्र सरकार नूं अपील कर रहे हैं कि जल्द तो जल्द उन्होंने यूक्रेन दे विचों कढ़िया जाए। तो बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी अपने घरां नूं परत भी आए ने सुरक्षित। तो बहुत सारे फसे हुए ने जिस करके उन्होंने लगातार सोशल मीडिया जरिए अपील की जा रही है। We'll be right back.